केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने झारखंड सरकार और केंद्र सरकार की अधिसूचना पर बुधवार को न्यायाधीश उत्तम आनंद मौत मामले में केस दर्ज कर लिया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि सीबीआई जल्द ही इस मामले में धनबाद पहुंचकर जांच शुरू कर सकती है। वहीं दूसरी ओर न्यायाधीश मौत मामले में अभी तक जांच कर रही एसआईटी की टीम अपनी पूरी शक्ति के साथ गुत्थी सुलझाने में लगी हुई है। आज शाम इस मामले में मीडिया को जानकारी देते हुए धनबाद के एसएसपी संजीव कुमार ने बताया कि अभी तक इस मामले को हैंडओवर सीबीआई ने नहीं लिया है, अभी इस मामले की जांच एसआईटी की टीम ही कर रही है। इस मामले में सीबीआई द्वारा मामला दर्ज किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी मामले की जांच एसआईटी की टीम ही कर रही है, जब भी दूसरी एजेंसी मामले को अपने हाथ में लेना चाहे वो ले सकती है, लेकिन फिलहाल अभी तक मामले की सभी पहलुओं पर एसआईटी ही जाँच कर रही है। इसके साथ ही एसएसपी संजीव कुमार ने बताया कि एसआईटी ने इस मामले में गुजरात एसएसएल क्राइम साइकोलॉजिकली प्रोफाइलिंग जैसे एजेंसी को इन्वॉल्व किया है, जिनसे मामले में रिपोर्ट मांगी गई है। पूरे मामले में एक्सपर्ट एनालिसिस के आधार पर इसका पटाक्षेप किया जाएगा। जो भी बाकी बचे पहलू हैं उस पर हम लोग गहराई से जांच कर रहे हैं। सीबीआई हैंडओवर लिया मामले अभी तक हम सीबीआई ने अभी तक मामले का हैंडओवर नहीं लिया है, अभी जांच एसआईटी के द्वारा ही चल रही है। और जो बात सामने आ रही है कि सीबीआई ने एफआईआर भी लॉन्च कर लिया है, क्या सच्चाई? देखिए ऐसा है, हम लोग जांच कर रहे हैं, जब भी कोई दूसरी एजेंसी जब भी लेना चाहे वो ले आकर के ले लेंगी, लेकिन अभी तक हमारा जांच चल रहा है, अभी तक सभी पहलुओं पर हमारा ही अनुसंधान चल रहा है। कितना नजदीक पहुंच पाए सर इस घटना? बहुत सारे बिंदुओं को हम लोग, जैसा मैंने बताया कि जो भी नॉर्मल से डिविएशन जहां भी है उन सारे पहलुओं को हम लोग अपने अनुसंधान में रखे हैं और सभी पहलुओं पर हम लोग जांच कर रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो बता रहा था वैसे स्थिति में तो लग रहा था कि सर हम लोग अब कोई स्थिति परिस्थिति नहीं, जो भी है वो सीएफएसएल से रिपोर्ट कई बिंदुओं पर हम लोगों ने मांगा है, कई डिफरेंट एजेंसीज को हम लोगों ने इन्वॉल्व किया है, चाहे वो गुजरात एफएसएल हो या क्राइम साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग हो, तो हम लोगों ने कई एजेंसीज़ को इन्वॉल्व किया है और हर एजेंसी से जो एक्सपर्ट कमेंट्स होता है, जो एक्सपर्ट उनका एनालिसिस होता है, वो रिपोर्ट हम लोग मंगा रहे हैं और उस हिसाब से हम लोग अनुसंधान में उसको अंगीकृत कर रहे हैं।